खबर यह कि जनरल विक्रम सिंह ने 25वें सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इससे पहले जनरल वीके सिंह ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साउथ ब्लॉक में राजपुताना रेजिमेंट की टुकड़ी से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके बाद जनरल वीके सिंह ने सेना प्रमुख का कार्यभार जनरल विक्रम सिंह को सौंप दिया। वीके सिंह ने जनरल विक्रम सिंह को बेटन सौंपी। इसके साथ ही भारतीय सेना को 25वां थल सेना प्रमुख मिल गया। सेना के मुखिया के तौर पर पद संभालने वाले विक्रम सिंह पूर्वी कमान के कमांडर थे। जनरल विक्रम सिंह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इससे पहले सुबह जनरल वीके सिंह ने अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक चुनिंदा चीफ है और मुझे पूरी आशा है कि वो उसी अनुरूप कार्य करेंगे जिससे कि सेना की भलाई। बेबाक और ईमानदार छवि रखने वाले वीके सिंह का कार्यकाल जहां विवादों से घिरा रहा, वहीं विक्रम सिंह ऐसे वक्त पद संभाल रहे हैं जब उनकी नियुक्ति के खिलाफ भी अदालत में सवाल उठ रहे हैं। विक्रम सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खारिज कर दी थी। हालांकि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। विक्रम सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री के दूसरे ऑफिसर हैं जो सेनाध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री में 1972 के कमीशन अधिकारी विक्रम सिंह अगस्त 2014 तक सेनाध्यक्ष के पद पर रहेंगे। तमाम विवादों के बीच नए सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। फिर चाहे बात जनरल वीके सिंह की सेना में भ्रष्टाचार को लेकर शुरू की गई जंग को आगे बढ़ाने की हो, या फिर सेना को आधुनिक बनाने की मुहिम को पूरा करना, आने वाले दिनों में नए सेना प्रमुख का हर कदम काबिले गौर रहेगा। इस समय दिल्ली से कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ मंजीत नेगी।